केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान विरोधी तीनों बिलों की वापसी की घोषणा को लेकर किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई, तो वहीं किसानों की हुई विजय को लेकर कांग्रेसी भी किसानों की लड़ाई और जीत में अपनी मुख्य भूमिका बता रहे हैं। किसानों की हुई विजय को लेकर के जनपद मैनपुरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहम्मद राशिद ने मैनपुरी जिला कार्यालय पर पहुंचकर किसान विजय यात्रा निकाली। इसके बाद वे मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि आज वो किसानों की विजय हुई है, उसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और बीजेपी सरकार किसानों को तमाम तरह की यातना से प्रताड़ित किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जन जन के साथ किसानों का भला करने में हमेशा आगे रही है। देखिए, किसानों के लिए उन्होंने कानून बनाया था, ये बात ठीक है, मगर उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया था और ये चुनाव के डर से वापस ले रहे हैं। कानून किसानों के खिलाफ बनाया गया था किसानों के लिए किसानों के खिलाफ बनाया गया था, उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया गया था और आज ये चुनाव के डर से वापस लिया जा रहा है। आज जो हमारा यहाँ से हमें जब से जिम्मेदारी बनी है, तब से हम लोगों ने जिला कमेटी तैयार की है, उसके बाद ब्लॉक कमेटी तैयार की है, उसके बाद हम लोगों ने न्याय पंचायत कमेटी तैयार की है, अब हम लोग बूथ स्तर तक पहुँचने जाने हैं, ग्राम स्तर तक। माना जाए कि विजय यात्रा आपकी जो निकलेगी उसमें हजारों की संख्या में हुजूम दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।